हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 14 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हां, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। आज उनकी 131वीं जयंती है और पीएम मोदी ने इनको नमन करते हुए कहा कि आपका संघर्ष हमेशा मिसाल बना रहेगा। वहीं अम्बेडकर जयंती के मौके पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान भी कर दिया है इस बार सरकार ने, यानी कि 14 अप्रैल को आज बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अच्छा, वही देखिए, बाबा साहेब की जयंती को संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाएगी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित होगी विचार गोष्ठी। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अम्बेडकर जयंती पर हर साल मनाया जाएगा समानता दिवस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री हैं और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाएगा। वह देखिए, पीएम संग्रहालय की तस्वीर भी सामने आई है। नेहरू को बताया संस्थान निर्माता, इंदिरा, शास्त्री, राजीव, अटल को मिली ज्यादा जगह। और आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। ये देख सकते हैं इसकी कुछ तस्वीर भी आप। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास 3 मूर्ति भवन में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज यानी 14 अप्रैल को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हमारे देश में UPI के जरिए पिछले 6 साल में 48 करोड़ प्रतिमाह से ट्रांजेक्शन लगभग 9.5 लाख करोड़ पहुंचा। यानी कि UPI ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। लोग बाग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ करते हुए लोगों को कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। और इस मौके पर UPI धुन भी लॉन्च की गई। पीएम मोदी ने शेयर की UPI ट्रांजेक्शन डेटा से बनी धुन, बोले ये बहुत रोचक और इन्फॉर्मेटिव भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस अभियान पर टोटल 5,911 करोड़ रूपए खर्च होंगे। आर्थिक मामलों की कमेटी ने बुधवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार का यह अच्छा कदम है। इसके साथ ही RGSA के बजट में भी 60% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में फैसलों की जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है अब साल 2026 तक चालू रहेगा और इस योजना पर टोटल 5,911 करोड़ रूपए खर्च होंगे। अच्छा, महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मार ही डालेगी अब तो ये महंगाई, क्योंकि बस और ऑटो से सफर करना भी महंगा होने जा रहा। इस राज्य ने किराया बढ़ा दिया। दरअसल पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो रहा है और इसके चलते कई राज्य सरकारें ऑटो, टैक्सी, रोडवेज वगैरह इनका किराया बढ़ाने जा रही है, राइट। और इसी कड़ी में अब केरल सरकार ने भी बस, ऑटो, टैक्सी के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। और ये बढ़ा हुआ किराया अगले महीने 1 तारीख से यानी 1 मई 2022 से लागू हो जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स खबर आ रही दोस्तों की अन्य राज्यों की सरकारें भी जल्द ही इसके बारे में फैसला कर सकती है। दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों में CNG की कीमतें बढ़ी थी हाल ही में, इसका भी असर माना जा रहा। केरल में अब आपको कितना किराया देना पड़ेगा तो आपको बता दूं, केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने बताया कि बस का न्यूनतम किराया 8 रूपए से बढ़कर 10 रूपए कर दिया गया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 90 पैसे से बढ़ाकर 1 रूपए करने का फैसला किया है। इसी तरह से ऑटो के किराए में भी 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जहां आपको पहले 100 रूपए देने पड़ते थे, वहां अब आपको 120 रूपए ऑटो वाले को देने पड़ेंगे। टैक्सी वगैरह के और स्टैंडर्ड किराए की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में फिर से होने वाली है बिजली की कमी। कोयले की आपूर्ति घटी तो कई राज्यों में बिजली का संकट का असर दिखाई देने लगा। और जैसे अभी आपको पता होगा, कुछ महीनों पहले हमारे देश में कई राज्यों में बिजली संकट आया था ना, ठीक वैसे ही देश में एक बार फिर से बिजली का संकट आ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और हो सकता है दोस्तों कि बिजली मिलना भी महंगी हो जाए। वैसे भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ राज्य में तो बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग ही चुका है। बिजली की दरें महंगी हो गई है। जहां 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली, छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की खपत पर 10 रूपए ज्यादा देना पड़ेगा। आए गर्मी में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बड़ा झटका दिया आम आदमी को। लगभग 2.5% समथिंग बिजली महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को नया टैरिफ जारी करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर पर 10 पैसा प्रति यूनिट की दर रेट बढ़ा दी है। वहीं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 15 पैसा प्रति यूनिट की दर से बढ़ा दी गई है। और ये बढ़ी हुई नई रेटें भी इसी महीने 1 अप्रैल 2022 से ही मानी जाएगी, यानी कि आपका आने वाला अगला बिल भी महंगा आएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बाबा अमरनाथ की इस साल की पहली तस्वीर जारी हुई है। धारा
370 हटाने के लिए एक बार यात्रा रोकी गई थी एक साल, फिर कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा बंद रही थी, लेकिन इस बार 30 जून से वापस अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन आप घर बैठे ही दर्शन भी कर सकते हैं। जय बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं इस साल की अमरनाथ की। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई ये तस्वीर वाकई में बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग रही है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दुनिया में क्रूड ऑयल की खपत कम होगी, ओपेक ने क्रूड की वैश्विक मांग के अनुमान में कटौती कर दी है। वजह है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच बढ़ती महंगाई। रोजाना लगभग 36.7 लाख बैरल कच्चे तेल की मांग रहेगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने मंगलवार को इस साल कच्चे तेल की वैश्विक खपत को लेकर अपने अनुमान में कटौती की है। ओपेक ने मासिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2022 के दौरान पूरी दुनिया में रोजाना 36.7 लाख बैरल कच्चे तेल की मांग रहेगी, जो कि पिछले सालों की तुलना में और कम रहेगी। तो उम्मीद है कि इस वजह से भी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल आपको कुछ सस्ता देखने को मिल सकता है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा फिटनेस क्रिक, एक साल में 24% लोगों ने ज्वाइन किया जिम। फ्रांस देश भी इस मामले में पीछे रहा, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा फिटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर लोग बाग अवेयर हो रहे हैं। पिछले एक साल में आप ये कंट्रीज का अलग अलग डेटा देख सकते हैं कि कहां कितने प्रतिशत लोगों ने जिम ज्वाइन किया। एक डेटा के मुताबिक भारत में 24%, अमेरिका में 13%, चीन में 20% वगैरह वगैरह। इतने लोग मतलब हेल्थ को लेकर सीरियस है, कॉन्शियस है, अवेयर है और वो जिम ज्वाइन किए हैं। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट दिखाई दे रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों के 29 जिलों ने सरकारों की भी चिंता बढ़ा दी है। देश में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है, क्योंकि चौथी लहर की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। दरअसल देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इसी महीने 1 अप्रैल से कई पाबंदियों को तो हटा दिया, यहाँ तक कि मास्क को भी वैकल्पिक कर दिया कई राज्यों में तो। लेकिन अब वापस बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। 29 ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से भी ज्यादा चल रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। देखिए आप, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 लोगों की मौत हुई, जबकि 1081 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना पर एक और जरूरत की खबर ये आ रही दोस्तों कि अभी भी हमारे देश के ये गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा वगैरह इनके आसपास के 6 स्कूलों में कोरोना फैला हुआ है। आप भी अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले कुछ टिप्स को फॉलो जरूर करें, ताकि आपके बच्चों को आप संक्रमण से बचा सकें। पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सावधानियां बरतें। कुछ टिप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये बातें जरूर सिखाएं। छींकते या खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बार बार चेहरा, नाक, मुंह, कान वगैरह ना छुएं। कोरोना वायरस और उनके खतरे के बारे में जानकारी दें। स्कूल में हाथों को सैनिटाइज करते रहने के बारे में बताएं। मास्क लगाए रहने के बारे में भी बताएं। स्कूल बस में भी आते जाते मास्क पहने और सावधानियां बरतें। ये कुछ टिप्स आप अपने बच्चों को जरूर बताएं स्कूल जाते हैं, अगर आपके भी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, चुन्नू मुन्नू बच्चे बच्ची तो, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी अब आसान होगा। यूपी सरकार आम आदमी को, आम पब्लिक को, लोगों को राहत देने के लिए ये नया कदम उठाने जा रही है। स्टाम्प व पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। विभाग से संबंधित अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही मिल जाएगी। और इसके अलावा 100 रुपए तक के मूल्य वाले स्टाम्प पेपर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से भी खरीदने की सुविधा मिलेगी, है ना। यानी कि स्टाम्प पेपर वगैरह 100 रुपए तक के अब आपको राशन की दुकान पर ही मिल जाएंगे, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान। 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल 7th पे कमीशन पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देने के बाद अब केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इसी साल 1 जनवरी 2022 से बढ़ोतरी मानी जाएगी। और यह बढ़ोतरी 368% से बढ़ाकर 381% किया गया है 5वें वेतन आयोग वालों के लिए, और 6ठे वेतन आयोग वालों के लिए महंगाई भत्ता 196% से बढ़ाकर 203% किया जाना। तो ये 5th, 6th और 7th तीनों ही तरह के कर्मचारियों के लिए अब सरकार ने डेयरनेस अलाउंस बढ़ा दिया, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपकी आवाज से खुलेगा दिल की बीमारी का राज। वैज्ञानिकों ने इस तरह की एक नई तकनीक भी खोजी है। जी हाँ, अमेरिका स्थित मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने एल्गोरिदम के आधार पर एक नई तकनीक विकसित की है, और इसके जरिए सिर्फ आवाज सुनकर दिल के मरीजों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि हार्ट संबंधित अगर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह ये एक दो बार अटेम्प्ट आ चुके हैं, तो भी दिल की बीमारी से संबंधित कई तरह की स्थितियों का पता मात्र आपकी आवाज सुनकर लगाया जा सकेगा। ये रिसर्च 108 से भी ज्यादा लोगों पर की, जिनके रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दिल की बीमारी का पता मात्र आपकी आवाज, हेलो, आप जैसे बोलोगे ना उसी से लग जाएगा। अमेजिंग।
सिंह, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, 23 अप्रैल को केजरीवाल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, वहां कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, आम आदमी को सूती का कपड़ा पहनना भी अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जल्द ही इसके दाम बढ़ सकते हैं। वैसे गर्मी के सीजन में आम आदमी भी सूती कपड़ों को पहनना पसंद करता है, क्योंकि गर्मी कम होती है इनमें। लेकिन ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि बहुत जल्द कॉटन के दाम बढ़ सकते हैं, और इस वजह से आपका सूती कपड़ा पहनना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कपास, कॉटन, रुई वगैरह जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो रही है अब देखते देखते। और इस वजह से, कहने का मतलब, कच्चे माल में महंगाई आने की वजह से सूती कपड़ा भी महंगा हो सकता है। अच्छा देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक घमासान बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे ने ये अल्टीमेटम दिया है और कहा कि ईद तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारो, वरना हम भी बजाएंगे हनुमान चालीसा, हमें अपने बाण खींचने पर मजबूर मत करो। राज की लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स देखने को मिली। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया कि 3 तारीख यानी कि ईद के दिन तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके कार्यकर्ता फिर से उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर लगाकर करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा की बात की है, मुझे अपने बाण खींचने के लिए मजबूर ना करें। आपकी प्रार्थना आप अपने घर कीजिए, दूसरों को परेशान मत कीजिए। मस्जिदों में जो आए दिन लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, अजान वगैरह की जाती है, उसी पर ये राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रही है। खैर छोड़िए, क्योंकि हम ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें चीतें करते नहीं है इस चैनल पर। सीधे आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का हक इस कंडीशन में भी होगा। अब लव मैरिज के बाद परिवार से विवाद हुआ, महिला आयोग ने दिलवाया 11 लाख कैश और 5 तोला सोना। छत्तीसगढ़ राज्य की यह खबर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी की, परिवार के लोग इस लव मैरिज के खिलाफ थे, विवाद बढ़ गया और ये विवाद बढ़कर फिर प्रॉपर्टी के विवाद में बदल गया। मगर पिछले कुछ महीनों में जारी इस विवाद में अब लगाम लग गई है, क्योंकि इस मामले में महिला आयोग ने सुनवाई करते हुए बेटी को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक दिया। मतलब चाहे बेटी अपने पसंद की जगह पर शादी करे ना, तो भी घर वाले उसको अपनी संपत्ति से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ये कहना कानून का, सरकार का है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर बड़ा फैसला देखिए। अब टिकट बुक करते समय आपको इस झंझट से मुक्ति मिलेगी। दरअसल यात्रियों को अब टिकट बुक करवाते समय कहां जाना है वहां का एड्रेस यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण रेल टिकट बुक करते समय IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर डेस्टिनेशन एड्रेस भरना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब रेलवे ने वापस इसको हटा दिया है। क्योंकि इतने दिन अगर आप एड्रेस नहीं भरते थे तब तक टिकट ही बुक नहीं हो रहा था, तो रेलवे ने यात्रियों की समस्या को देखते हुए वापस इस नियम को अब कैंसिल कर दिया है और इस झंझट से अब आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा वहीं एक अच्छी खबर आ रही बेरोजगारों के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए इस साल नौकरियों की बहार आएगी। इन्फोसिस कंपनी 50,000 नई भर्तियां करेगी। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वित्त वर्ष 2022-23 में इन्फोसिस अच्छी खासी जॉब्स निकालेगी। अच्छा दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर आ रही है कि पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों का मौसम बदलेगा और अगले 10 दिन तक तापमान गिरेगा, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाएगा, तो इससे कई राज्यों में जो गर्मी थोड़ी कम महसूस होगी। उत्तर पश्चिम भारत में तो 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 18 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है और इसकी वजह से कुछ राज्यों में बारिश भी हो सकती है। देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 14 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी या हल्की धूल भरी आंधी आपको देखने को मिल सकती है। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की संभावना तो है ही है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR में धूल भरी हवाएं चल सकती है और बाकी गर्म हवाओं की स्थितियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में देखने को मिलेगी। ओके तो ये रहा आज का मौसम अपडेट और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप फटाफट से। CBSE के टर्म 2 के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 26 अप्रैल से ये परीक्षा होनी है, लेकिन एडमिशन कार्ड सिर्फ स्कूलों में ही डाउनलोड कर पाएंगे आप। वही देखिए 9 और 10 मई को होगा RRB NTPC का एग्जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की CBT 2 की परीक्षा तिथि, 35,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। अच्छा बिहार में BEd नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है सरकार ने। 342 संस्थानों में 37,000 के लगभग सीटें हैं और इस बार बिहार BEd की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप देख सकते हैं www.biharcetbed-imu.in पर जाकर आप 2 वर्षीय BEd 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके अच्छा भाई देखिए, राजस्थान में 9 जुलाई को होगी वीडियो की मेंस परीक्षा और हाउसकीपर परीक्षा भी। 2 घंटे की परीक्षा में पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। हाउसकीपर के लिए 4 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। एक ही दिन में दोनों एग्जाम होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। अभी कल परसों ही तो वीडियो प्री का रिजल्ट आया था। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिशियल
नेचर मैंने आपको बताया था ना, ग्रामीण विकास अधिकारी का। और अभी वापस इसकी मेंस की परीक्षा तिथि की भी घोषित की जा चुकी है। RSMSSB की तरफ से लिया जाएगा ये एग्जाम, 9 जुलाई को होगा, वीडियो में है ना। वही देखिए, राजस्थान में रीट 2022 के कैंडिडेट्स ध्यान दें, 13 मई तक जमा करानी होगी फीस, 18 मई को लास्ट डेट है। इस बार 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर भी पहुंचना होगा, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में 5वीं और 8वीं के बच्चों के एग्जाम का टाइम टेबल भी बदल चुका है। 5वीं की परीक्षा अब 27 अप्रैल से होगी, जबकि 8वीं की परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे तक परीक्षाएं खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत पड़ रही है, इसीलिए टाइम टेबल में चेंज किया गया। कुछ ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं, ये 8वीं का बोर्ड का टाइम टेबल है राजस्थान का, और ये नॉर्मल 5वीं क्लास का टाइम टेबल रहेगा जो लोकल लेवल पर स्कूलों में ही होती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य से खबर आ रही है, PET, PPST और PPT का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। 29 मई से 19 जून तक परीक्षा होगी। इस बार आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। करीब 1,00,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे में शामिल जांबा जवानों और उनके पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा, झारखंड के अंदर एक रोपवे हादसा हो गया था, उसमें 4 लोगों के जान जाने की भी खबर है। बाकी लगभग 48 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया गया। तो उनके परिजनों से और उन रेस्क्यू टीम के जवानों से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और अभी आपको कोटक महिंद्रा बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर क्या ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगी आप देख सकते हैं। 7 से 14 दिन के FD पर 2.5% इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3% है। इसी तरह से अलग अलग 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की FD की ब्याज दरों की रेट्स भी आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। ओके, अच्छा वही देखिए, उबर के बाद अब ओला ने भी अपना किराया बढ़ा दिया। बस ऑटो से सफर करना अब आपका महंगा होता जा रहा। कई शहरों में ओला कंपनी की तरफ से भी अब किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए ओला टैक्सी वालों के लिए रेटें महंगी पड़ रही हैं। और ये बढ़ोतरी देश के कई शहरों में हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह सभी जगहों पर कर दी गई। अच्छा वही देखिए दोस्तों, देश में नींबू महंगे हो रहे हैं, तो अब बगानों से ही नींबू को चोरी किया जा रहा है। मतलब किसान भाई लोगों के लिए कितना समस्या की बात है कि उनके खेतों के बगानों से ही नींबू चोरी करके चोर ले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल नींबू महंगे कितने हो रहे हैं आपको पता होगा। तो हाल ही में एक ऐसी घटना देखी गई, उत्तर प्रदेश कानपुर में 15,000 नींबू चोरी हो गए कानपुर विभाग से। हालात ये हो रहे हैं कि किसानों ने खेत की रखवाली के लिए 50-50 लठेत लोग रखे हुए हैं। रोजाना 22,000 रुपए का खर्चा उठा रहे हैं किसान भाई लोग नींबू की रखवाली के लिए। अच्छा वही देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन को 90 टन राहत सामग्री दी, दवाओं की आपूर्ति पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर भी अपडेट आ रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में काफिला दिखाई दिया। हालांकि कल रूस ने इस तरह का भी दावा किया था कि 1,026 यूक्रेनी नौसैनिकों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस बात में सच्चाई कितनी है अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। अच्छा खेल समाचार पर अपडेट देखिए, 5 बार की IPL चैंपियन लगातार 5वां मुकाबला हार चुकी है। पंजाब किंग्स ने 12 रन से मात दी। ओरियन स्मिथ ने आखिरी ओवर में 3 विकेट झटके। IPL 2022 में मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं बार मुकाबला हार गई, पंजाब किंग्स से हार मिली है। अच्छा साथ ही देखिए, झारखंड के सरकारी स्कूल अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। गर्मी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, कपड़ा कारोबारियों को राहत दी गई है। कपास के आयात पर 30 सितंबर तक कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी, जो टेक्सटाइल सेक्टर के कारोबारी से लेकर आम उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलेगी। अभी मैंने आपको खबर बताई थी ना कि सूती कपड़े महंगे हो सकते हैं, तो उस पर सरकार का ये एक अच्छा फैसला है महंगाई को रोकने के लिए कि कस्टम ड्यूटी पर 30 सितंबर तक छूट रहेगी। तो हो सकता है कि इसकी वजह से सूती कपड़ों की महंगाई पर असर आपको देखने को नहीं मिले, है ना। सोने चांदी के भाव देखिए, 435 रुपए तक गोल्ड बढ़ा, 1331 रुपए तक चांदी महंगी हुई। और अभी सोने का रेट 52,941 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और वहीं चांदी की कीमत 67,807 रुपए प्रति किलो चल रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गति के 3 नियम कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।